नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पामे इनका सवाल था कि ये बिजनेस करना चाहते हैं तो अपना बिजनेस कैसे, किस प्रकार बनेगा, चलेगा, क्या रहेगा। मुझे इनके हाथ में जो कुछ दिख रहा है मैं उनको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके फार्म का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर इनके हाथ में देखूँ तो सबसे पहले इनकी रेखा को देखते हैं कि इनकी रेखा क्या कहती है, बिजनेस की रेखा है या नहीं है, क्या जीव में रह सकता है, देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। अगर इनकी भाग्य रेखा देखी जाए तो आप सबसे पहले ये पाएंगे कि इनके हाथ में एक प्रॉपर भाग्य रेखा है ही नहीं। भाग्य रेखा के नाम पर एक रेखा इस प्रकार है, या आपकी मस्तिष्क रेखा है, भाग्य रेखा इस प्रकार जा रही है, फिर हल्की सी टूट कर यहाँ से चली है और इस प्रकार ही आपकी भाग्य रेखा मुझे दिख रही है। जो आपकी भाग्य रेखा है वह चंद्र के हिस्से पर तो नहीं है, ये मंगल के हिस्से पर है। तो देखिए, ऐसे व्यक्ति का भाग्य उधर डिफेंस सेक्टर में होता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का कार्य अच्छा चलता है, प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य में आपको मजबूती रहेगी, जीवन में अच्छा लाभ आपको इस तरह के कार्य करके मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति अगर मिट्टी से जुड़ा कोई भी बिजनेस करे तो उसमें व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है, चाहे प्रॉपर्टी हो गया, सीमेंट बिजनेस हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, खेती हो गया, रियल इस्टेट आप मान के चल सकते हैं, ईंट से जुड़ा बिजनेस हो गया, ईंटों को बनाना, ईंटों को बेचना, रेत, पदरपुर, रोड़ी, रोड कंस्ट्रक्शन, सीमेंट कंस्ट्रक्शन, टाइल्स, इस तरह का बिजनेस आपके हाथ में अच्छा एवं मजबूत चलेगा। तो अगर आप बिजनेस करना ही चाहते हैं तो आप इस तरह के बिजनेसों में अपना ध्यान लगा सकते हैं। इस तरह के व्यापार में मेहनत करके आपको अपने जीवन में बड़ा भाग्य उदय हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपके हाथ में मैं रेखाओं द्वारा होती हुई देख पा रहा हूँ। यदि आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा देखी जाए तो भाग्य रेखा में उतनी मजबूती नहीं है जितनी मैं देख पा रहा हूँ। बट हाँ, अगर आप जो बिजनेस करना चाहते हैं तो जो जो चीज़ें मैंने वीडियो में बताई हैं उस तरीके का बिजनेस आप कर सकते हैं। उस तरीके का आप बिजनेस करते हैं, उन बिजनेस में मेहनत लगाते हैं तो फिर आपको अच्छा भाग्योदय रेखाओं द्वारा देखने को मिलेगा। तो इस तरह के योग आपके हाथ में रेखाओं द्वारा मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। यदि आपके हाथ में आगे देखा जाए तो ये आपके हाथ का शुक्र का हिस्सा है। शुक्र के हिस्से पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, ये आपको इन्वेस्टिंग से फायदा दिलाएंगी। जब जब आप जहाँ पर भी इन्वेस्टिंग करेंगे, चाहे छोटे समय के लिए करें, लंबे समय के लिए करें, बट इन्वेस्टिंग से आपको फायदा है। प्रॉपर्टी, सोना चांदी, जमीन जायदाद, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करें बट आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जब जब जहाँ जहाँ जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको इन्वेस्टमेंट से आपके अपने जीवन में बड़ा फायदा देखने को मिलने वाला रहेगा। तो इस तरीके के आपके हाथों में रेखाओं द्वारा योग देख पा रहा हूँ। आपको अच्छे खासे फायदे रेखाओं में मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा आपका शुक्र का हिस्सा दिखा रहा है कि आपका जो बड़ा पैसा खर्च होगा, जब भी और जहाँ भी खर्च होगा, वो सुख सुविधाओं की चीज़ों पर खर्च होगा, लग्जरीज को अर्जित करने में खर्च होगा। ऐसे व्यक्ति का बड़ा पैसा हमेशा लग्जरीज में खर्च होता है। तो इस तरह के भी आपके हाथ में योग बन रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा जो खर्चा करेंगे वो घर, गाड़ी, पैसा, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करेंगे। वैसे व्यक्ति लग्जरीज एवं सुख सुविधाओं की चीज़ों पर ज़्यादा अपना पैसा खर्च करता है। योग आपके हाथ में इस तरह के बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। मंगल पर आएंगे तो अंदरूनी मंगल पर देख पा रहे हैं, मंगल से कुछ रेखा आ रही है जो कि जीवन रेखा को काट कर आगे बढ़ी है। देखिए, ये रेखा इसने काटा, यहाँ पर कट है, यहाँ पर भी कट है, यहाँ पर भी कट है। आपकी जो जीवन रेखा है वह बारंबार कट रही है कुछ ना कुछ रेखाओं द्वारा। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये भी आपके हाथ की नेगेटिव अवस्था को दिखा रहा है। मंगल से आड़ी रेखा जब आती है तो देखिए, वो मैंने बाहरी मंगल देखकर बोला था कि प्रॉपर्टी से फायदा है, बट ये जब आड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति फायदा तो करता है प्रॉपर्टी से, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बट बीच में बड़े बड़े नुकसान भी जाते हैं। मंगल पर ये रेखा आपके जीवन में आपको गुस्से की समस्या देगी, आप जल्दबाजी में ऐसे निर्णय लेंगे कि आपको उनसे नुकसान होगा। तो इस तरीके के आपके हाथ में रेखाओं में मुझे मंगल पर योग दिख रहे हैं। गुरु आपके हाथ में सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शनि के क्षेत्र पर देख पा रहे हैं एक रेखा है, वी साइन अच्छा खासा बन रहा है। शनि के क्षेत्र पर जब वी साइन बनता है तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में शनिदेव की असीम कृपा को पाने वाला रहेगा, बुढ़ापे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आर्थिक स्थिति में कमजोरी नहीं दिख रही है शनि पर जब वी साइन बनता है। इसके अलावा ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति को शनि देव की साढ़े साथी और ढैया में बड़े बड़े फायदे मिलते हैं। तो आपको ये कार्य भी आप इस रेखा द्वारा कर सकते हैं, आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। सूर्य का क्षेत्र ठीक है, यहाँ पर क्रॉस बन रहा है। सूर्य के क्षेत्र पर क्रॉस बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, समस्या आपको देगा, 100% देने वाला रहेगा। अगर आप इसको ध्यान से देख लेते हैं, जी हाँ, ये क्रॉस ही है और काफ़ी बड़ा क्रॉस है सूर्य के क्षेत्र। देखिए, सूर्य के क्षेत्र पर जब क्रॉस बनने लग जाए तो कहीं ना कहीं सरकारी लाभ मिलने में कमी होना, पॉलिटिक्स में कमी आना और कहीं ना कहीं पिता से संबंध खराब होते हैं। ऐसे व्यक्ति जवानी के समय अपने पिता से दूर जाकर रहते हैं और अगर एक ही घर में पिता पुत्र रहते हैं तो इतनी बोलचाल नहीं हो, मन में एक बाउंड्री सेट हो जाती है पिता पुत्र के रिश्तों में, खुलकर बात नहीं करते कभी। इसके अलावा
समस्या रहती है। देखिए, जो बुरे से बुरे केसेस मैंने देखे हैं, पिता का साया बचपन में सर से उठ जाता है, तो इस तरह के योग भी हाथ में बनते हैं। लेकिन अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, तो फिर कभी कभी केसेस में ये देखा गया है कि व्यक्ति का संघर्ष अपार हो जाता है, और पिता से जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो पिता के द्वारा पैतृक संपत्ति मिलनी चाहिए, उस संपत्ति को मिलने में कमी आती है, यानी कहीं ना कहीं पिता की ओर से नुकसान जो आता है, चाहे संबंधों में खराबी हो, संपत्ति मिलना ना मिलना हो, चाहे सपोर्ट के कारण हो, बट कहीं ना कहीं कमी आती जरूर है। सरकार से मान सम्मान ना मिल पाना, इस तरह के ये हाथ में योग बनते हैं। बुध का क्षेत्र ठीक ठाक, इसको मैं कहूँगा व्यापार क्षमता आपको अच्छी दे रहा है, बुध के क्षेत्र में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धनुष आकार रेखा बन रही है, समझदारी को इशारा करती है, समझदार व्यक्तित्व का रहेगा। चंद्र का क्षेत्र ठीक है, मंगल का क्षेत्र भी मुझे ठीक ठाक दिख रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात इन क्षेत्रों में मुझे नहीं दिख रही है। यदि आपके हाथ के फैलेंजेस की बात करें, तो ये हाथ के 12 राशियों को दर्शाते हैं, जैसे कि ये आपके हाथ की 12 राशि होती है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपके ग्रह इन राशियों के अंदर गोचर करेंगे, आपको इनसे अच्छा लाभ ही देखने को मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर ये फैलेंजेस हल्के फुल्के अंडर डेवलप है या फिर खुले हुए हैं। खुले हुए फैलेंजेस ज़्यादा खर्चे की ओर इशारा करते हैं, व्यक्ति का जीवन ज़्यादा खर्चे में रहता है, व्यक्ति ज़्यादा खर्चे भी करता है। इसके अलावा अगर आपकी हृदय रेखा देखें, तो हृदय रेखा के नाम पर यहाँ पर सेमन लाइन बनी हुई है। देखिए, किसी व्यक्ति के हाथ में सेमन लाइन का होना कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भावुक बनाता है। व्यक्ति इमोशनली थोड़ा कमजोर देखा गया है, इमोशंस में आकर, गुस्से में आकर, भावनाओं में बहकर, या फिर किसी अपने सगे मित्र रिश्तेदार की बातों में आकर व्यक्ति अपना आर्थिक नुकसान कर बैठता है। आपको जब भी जीता जाएगा, आपको इमोशंस के द्वारा जीता जाएगा, आपको अपनों द्वारा जीता जाएगा, आपके जीवन वाली कहानी रहेगी कि आपको अपना लूटा गेरों में कहां था। व्यक्ति अपने जीवन में इमोशंस में आकर अपने लोगों से, परिवारजनों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से आर्थिक नुकसान खा लेता है, किसी भी रूप में हो, बट इमोशनलिटी ज़्यादा होती है। इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ता है। सेम लाइन कभी कभी, जैसे कि इमोशनल बताती है, इमोशनल बनाती है, कभी कभी व्यक्ति को ज़्यादा निर्दयी बना देती है, व्यक्ति बहुत निर्दयी होता है, कभी दया भावना किसी पर नहीं आती। तो दो पहलू होते हैं सेमन लाइन के। देखिए, या तो आपके हाथ में हृदय रेखा होती, मस्तिष्क रेखा होती, ना हृदय है ना मस्तिष्क है, एक रेखा है, तो कभी कभी दिमाग हावी होता है व्यक्ति के ऊपर। दिमाग अगर हावी होगा तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा निर्दयी बनेगा, और दिल हावी होगा तो व्यक्ति ज़्यादा इमोशनल रहेगा। तो एक चीज़ जरूर होती है, तो व्यक्ति बहुत निर्दयी रहेगा या इमोशनल में आकर नुकसान खाएगा, इमोशनल रहेगा। यहाँ पर आड़ी रेखा भी निकल रही है। जब भी किसी को पैसा देंगे, चाहे मित्र, रिश्तेदार, कोई भी कितना सगा संबंधी क्यों ना हो, उसके पैसे के वापस लौटकर आने के चांसेस बहुत कम है। पूरा पैसा वापस लौटकर नहीं आएगा, और अगर आ गया तो बहुत सालों बाद आएगा, जब उस पैसे की वैल्यू काफी ज्यादा डाउन होगी। जब भी व्यक्ति किसी को उधार देता है, तो पैसे का नुकसान ही करता है। इसके अलावा यदि आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा देखें, जीवन रेखा देखिए सही है, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर देखिए, जीवन रेखा आपकी सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। जीवन रेखा से अच्छा और जीवन रेखा से मजबूत कोई ग्रह नहीं होता। अगर हाथ में सारे ग्रह नेगेटिव है, हर जगह क्रॉस कट लगे हुए हैं, लेकिन जीवन रेखा साफ एवं शुद्ध है, तो फिर जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। बट आपके केस में क्या है, आपके केस में ये है कि जीवन रेखा पर कट जा रहे हैं। ये देखिए, जहाँ तक आपकी जीवन रेखा कटी हुई है, इनमें देखिए समस्या आती ही आती है, चाहे हेल्थ इश्यूज आए, चाहे रिश्तों में टकराव आए, चाहे फाइनेंशियल दिक्कत आए, पैसे की दिक्कत आए, करियर में ऊंचाई पर ना पहुंच पाना, फैमिली में इश्यूज आ जाना, योग हाथ में बनते ही बनते हैं। जब जीवन रेखा पर इस प्रकार की दिक्कत होती है, तो इसके देखिए ये राहु रेखाएं ये आपको समस्या देंगी ही देंगी, आगे चल के आपको समस्या और बढ़ सकती है। ये आपको बिजनेस नहीं बनाने देंगी, इच्छा पूर्ति नहीं होने देती है, समस्याओं की वो देती है। इसके मैं आपको रेमेडीज दे दूंगा। रेमेडीज इस प्रकार की रहेंगी, आपको डेली करनी रहेंगी, डेली और डेली हमेशा के लिए। अगर मैं आपसे 20 साल बाद भी पूछूँ कि क्या आप राहु रेखाओं की रेमेडीज कर रहे हैं, तो आपको हाँ ही बोलना रहेगा, इतनी जरूरी आपके लिए रेमेडीज हो जाती है। तो रेमेडीज डेली कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा, अच्छा खासा लाभ मिलेगा जीवन में, हमेशा के लिए आपको करनी रहेंगी। अभी मैं बड़ा बिजनेस आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ, फाइनेंशियल कोई इतनी अच्छी स्थिति नहीं देख पा रहा हूँ, ना हेल्थ के रिगार्डिंग, ना ही आपके जीवन पैसे के रिगार्डिंग। यहाँ पर आपके हाथ में वी साइड नीचे की ओर बन गया है। देखिए, हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे, जल्दी आएंगे, आपको बुढ़ापे में आते हैं वैसे नॉर्मली, बट आपके हाथ में थोड़े जल्दी है। इसके अलावा आपको समस्या हेल्थ के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल रिगार्डिंग रहेगी, पारिवारिक समस्या भी रह सकती है। अब देखिए, आजकल लोगों को उनके पास जाना पसंद होता है जो कि हमेशा लोगों की तारीफ करते हैं कि हाँ जी प्रॉब्लम है निकल जाएंगे, बट अभी मैं आपके हाथ में क्या देख पा रहा हूँ, मेरे को जो दिखता है मैं वही बोलता हूँ, झूठी तारीफ करना मेरी आदत नहीं है। आपके हाथ में अभी समस्या बड़ी है, और ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी अच्छी है, किसी भी चीज़ को लेकर स्टेबिलिटी नहीं है। आप कोई भी चीज़ देख लीजिएगा, उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। लेकिन इतना भी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने मेरे देखो पर डेली कर लिए, 3 से 4 वर्ष तक लगातार कर लिए, तो आपको जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी, आपका जीवन अच्छा चलेगा, समस्या धीरे धीरे कम होंगी। मेरे पास से जादू नहीं करते, इसलिए आपको बताया, कम से कम आपको 20 से 30 वर्ष तक लगातार करने रहेंगे। मेरे पास ज़्यादा खर्चे वाले नहीं होते, सिंपल साधारण से होते, कोई जादू टोना टोटका नहीं होता, बहुत सिंपल और बेसिक रेमेडीज रहेंगी। दान दक्षिणा से रिलेटेड मैं आपको उपाय दूंगा, तो उपाय आपको डेली डेली हमेशा के लिए करने रहेंगे। अभी स्थिति खराब है, बट हाँ, अगर आप 3 से 4 साल तक उपाय कर लेते हैं, तो आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा,
चीजें बदलनी स्टार्ट हो जाएंगी, सफलता आनी शुरू हो जाएगी और हर चीज में तनाव कम होगा, चाहे फैमिली में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे पैसे में हो, दिक्कतें कम होंगी। वीडियो देखने के तुरंत बाद अपना रिव्यू जरूर दे दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस सेटिस्फाई है नहीं है, जो भी आप करोगे सब बता दीजिएगा। कोई डाउट को कोई ले तो लिख दीजिएगा, उपाय लिख दीजिएगा कि आप मुझे जीवन रेखा को सही करने के, भाग्य रेखा मजबूती के लिए उपाय दीजिए, राहु रेखा को उपाय दे दीजिए, तो मैं आपको सारे डिटेल में दे दूंगा, आपको ध्यान से लिख दीजिएगा। समय के अभाव के कारण हम रिव्यू नहीं ले पाते, तो आप हमें रिव्यू दे दीजिएगा अपने आप ही। तो मैंने आपके 5 पॉइंट्स पूरा कर दिया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको आपको सारे सौलभ्य मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।